गुड मॉर्निंग गाइस। अभी ये हम लोग का होटल का पीछे गार्डन है, आप देखेंगे रात को भी गलियारा। और ये पीछे बासा गार्डन है, और भैया बोले कि कार को घुमा कर लगा दो। तो अभी विंडसिल का जो होता है वाइपर का पानी वो कम था, तो अभी नल से पानी भरने आया था और ये पानी भर लिया। चलिए गाड़ी में डाल देता हूँ, और गाड़ी लंबी सफ़र पे चलती है ना, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी मोबिल वगैरह सारा कुछ चेक कर लेते हैं उसका, और पानी डाल देते हैं, एयर प्रेशर चेक कर लेते हैं। चलिए करना है, हमारी गाड़ी उधर खड़ी है। मैं इसका बोनेट खोल के रखा हूँ, और एक बोतल पानी पहले से डाल चुका हूँ, 1 लीटर। ये बोनेट खुला है, 1 लीटर डाल चुका हूँ, और अभी डालता हूँ। चलेगा जी, ये तो भर गया, ये भर गया। मेरे को लगा ज़्यादा अटेगा, लेकिन इतना ही में टाइट फिश हो गया। क्या करता हूँ, इसका शीशा साफ, इसका बोनेट खुला है तो इसको बंद करता हूँ। ठीक है, प्यार से ऐसे यहाँ पर लाए, आराम से छोड़े इसको। सॉरी, थोड़ा और कस के छोड़ना था। यहाँ से छोड़े, आराम से लगेगा, देखिए लग गया। अब देखिए गाड़ी पूरी गंदी पड़ी हुई है, तो इसका जल्दी से शीशा साफ करता हूँ। चलिए गाइस, जल्दी से शीशा साफ करते हैं। शीशा तो क्लीन हो गया गाइस पूरा। अब चलिए बोतल रख देता हूँ डिक्की में वापस। पीछे से पूरी गंदी है गाड़ी, कोई ना, पीछे से उतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली दिन में। तो अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, चलिए इसको खोलते हैं। ऑटोमेटिक नीचे आने लगती है। चलिए इसको बंद कर देते हैं, बंद हो गई। चलिए गाड़ी क्लीन हो गई है। अब एक बात बताता हूँ आपको, हाँ आपको रात को बताया था कि नहीं गाइस पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी तेजपुर में हूँ, और तेजपुर में एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ से थोड़ी दूर पे है, 500 मीटर होगी, यहाँ से सामने दिखती है कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस सामने एयरफोर्स स्टेशन है। तो भैया का बचपन इधर ही गुजरा है, मौसा जी हमारे एयरफोर्स में थे, तो ये दिखाता हूँ आपको किधर है। और अभी कार निकालूँगा तो हो सकता है आपको दिखाऊँ भी एग्जैक्ट, अभी दूर से दिखाता हूँ जूम करके। ये ऑटो आ रही है, ये बड़ा सा देख रहे होंगे लिखा है एयरपोर्ट स्टेशन, वही है। और ये हमारा हजारिका लॉज, ये हमारी कार। अभी सोच ही रहा था कि भैया को जाकर देखूं रेडी हुए कि नहीं, तो आनंद भैया आ गए कि कॉल तुम्हारे लगा रहा था, कॉल नहीं लग रहा था, चाय तुम्हारी ठंडी हो रही है तो चाय पी लो। तो मैं वापस रूम के पास जा रहा हूँ, और चाय हमारी ठंडी हो रही है तो चाय पी लेते हैं।
भैया चाय पी रहे हैं। हाँ, इधर आनंद भैया अपना टी शर्ट निकाल रहे हैं, छेद देख ले। अब ये आ जाएगा व्लॉग में, दिस इज अ नेचुरल मोमेंट। ये हमारी चाय थोड़ी ठंडी हो गई है और वो छेद है। और इधर आनंद भैया चाय पिए कि नहीं भैया? सॉरी 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 सॉरी, चाय गिर गई मेरे से। सॉरी, गाड़ी मस्त चकाचक हो गई, ईसा दम क्लीन, और मन भी आ गया, बैठ गया है ना मन? क्या हाल चाल? मन भी बैठ गया, भैया भी रेडी हो गए हैं, और वो मन के बारे में पूछ रहे हैं होटल वाले स्टाफ। चलिए, आनंद भैया गए चेक करने रूम, तो रूम चेक करके आते हैं, तो हम लोग निकलते हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं तवांग के लिए, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग जाने के लिए एक्साइटेड है? वेरी एक्साइटेड। चलिए चलते हैं तवांग और वादियों का मजा लेते हैं। चल ठीक है भैया, बोल रहे हैं कि तवांग में बर्फ गिर रहा है, तो जैकेट लेना होगा उधर जाकर। तो ठीक है भैया, इनको वैसा वाला जैकेट नहीं चाहिए, इनको वैसा वाला जैकेट चाहिए इनको। नहीं नहीं, इनको वैसा वाला जैकेट, वैसा कोई जैकेट नहीं चाहिए। चलिए ठीक है भैया, बाय। चलिए लेट्स गो, हम लोग तवांग जाएंगे। कब तक उधर रास्ते से भागेंगे? नहीं नहीं, जैकेट खरीदेंगे उसका उधर। हाँ, जैकेट खरीदेंगे उसके बाद जाएंगे। हाँ, जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। इतना दूर आए किस लिए? हाँ, सही बात है। तवांग जाएंगे, स्नोफॉल अगर हो रहा होगा तो स्नोफॉल देखेंगे, लेकिन रहेंगे दो दिन वहाँ रहेंगे। जीपीएस लगा ले, चलिए ठीक है। बाय दोस्तों, स्टे ट्यून और बने रहिए ब्लॉग में, काफी मजा आने वाला है, धमाकेदार। हम दोनों को कुटने वाले हैं आज, ये लेके खा ले मन। अब कम ध्यान लगे, हम लोग को यहाँ से राइट मुड़ना है। ये अच्छे से बोलते हैं इंडियन की तरह। ये देखिए, एक गाली देने वाला तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन यहीं पर था जहाँ पर हम लोग रुके थे, पर दिखा नहीं सकते। नहीं वो दिखा दिए। हाँ, और चलिए अब हम लोग तवांग के लिए रवाना हो रहे हैं। शेड्यूल था कि सुबह 4:30-5 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी पता है दोस्तों कितना टाइम हो रहा है? 6:52, मतलब 7 बजने वाली है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 2 घंटे। हाँ, तो 2 घंटा हम लोग लेट ही चल रहे हैं। स्पीड लिमिट बहुत चलाती है। और चलिए किया जाए, इस ट्रिप में कोई फीमेल नहीं है, तो भी तो हम औरतों को जबरदस्ती दोष देते हैं। नहीं है, हम लोग लेट करते हैं। नहीं, हम मेरे में लेट नहीं है, भैया लेट किए। भैया लेट किए, भैया लेट किए। बाथरूम में था, रील्स देख रहे थे। नहीं नहीं, ये सब गलत बात। बाथरूम का पूरा 1700 रुपये डिस्काउंट नहीं है, पूरा वसूल रहे थे। तो चलिए दोस्तों तवांग मिलते हैं, स्टे ट्यून। ये दोस्तों हम लोग भालुकपुंग में हैं, मतलब भालुकपुंग पहुंचने वाले 10 किलोमीटर है यहाँ से। ये काफ़ी मज़ेदार और शानदार रोड है, मज़ा आ गया देख कर। क्या हरियाली है, चिड़िया की आवाज आ रही है। हाँ, हम लोगों ने शीशा भी खोल के हल्का रखा है कि बाहर का फ्रेश हवा है, और काफी हरियाली, काफी हरियाली। ये कोई एडिटिंग नहीं है, ये नेचुरल हरियाली है, मस्त। देखिए दोस्तों, अब हम लोग घाटी चढ़ने लगे हैं, और रोड देखिए, रोड मन कर रहा है। क्या रोड है, अब बगल से ट्रैक भी गुजर रही है, रेलवे लाइन की दिख नहीं रही होगी, थोड़ी थोड़ी दिखी होगी आपको। देखिए ट्रैक है, इस ट्रैक से भी कोई जाते होंगे तो क्या नजारा दिखता होगा भाई साहब। और इधर देखिए पूरा घाटी, घाटी घाटी, अरे बड़ा बड़ा पहाड़, क्या नजारा है यार। सोचिए तवांग में क्या नजारा होगा। क्या बोल रहा है, सोचिए तवांग में क्या नजारा होगा। तवांग में जबरदस्त नजारा होगा, अगर यहीं पे मजा आ जाएगा, मजा। ग्राउंड में बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्या ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड शहर में भी रहना चाहिए। ऐसे ग्राउंड सिटी बिल्डर्स के लिए सपना ही है। हाँ, शहर में रहना
द रिचेस्ट ऑफ द रिच कैन नॉट अफोर्ड इट। देखिए बॉर्डर आ गया अरुणाचल का। अच्छा हाँ दे दिया। अरुणाचल बॉर्डर पे हम लोग आए हैं और बॉर्डर पे पुलिस ने रोका, पास लगता है तो उसके लिए सबका आधार कार्ड और फोटो लगेगा और 680 रुपीज़ का चार्ज है, 600 का चार्ज है, 15 दिन के लिए वैलिड रहता है अरुणाचल प्रदेश में। और मतलब जो है सो है, पहले से तैयार रहेगा, 10 बजे काउंटर खुलता है ऑफिशियल, पर यहाँ जेरॉक्स शॉप है वो ऑनलाइन है तो पहले भी करते हैं। अगर आपको इसका प्रोसीजर पहले से पता है तो आप पहले से ही बनवा कर ला सकते हो एंट्री करने से पहले, नहीं तो एंट्री पे आपको टाइम लग सकता है। तो चलिए बनवा लेते हैं क्योंकि और जहाँ परमिट और उसके 15 दिन के लिए हम अरुणाचल में रह सकते हैं। ये परमिट सिर्फ रहेगा आपका पूरा अरुणाचल का, मतलब ये जो चाइना बॉर्डर के पास का नहीं रहेगा, तवांग तक ये सब रहेगा। हाँ। पर वसेला पास में सब जाने के लिए अलग से एक और परमिट लगता है। हाँ। वो आर्मी से लेना होगा आपको, तो वो एक सेकंड परमिट है। तो चलिए बनवा लेते हैं वो फटाफट हम लोग जा करके। आधार कार्ड लगेगा उसके लिए, तो आधार कार्ड सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, देकर आएंगे जेरोक्स वाले भाई साहब को। चल मन तू भी निकाल अपना आधार कार्ड, 11 साल का बच्चा है तो उसके लिए भी उसका या भी तुम लोगों का फोटो वोटो है ये अप्लाई कर देते हैं, इमीडिएटली हो जाएगा मोबाइल पे ही। ठीक चलिए मोबाइल पे हो ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ऐसा पास अभी मिलेगा हम लोग को भी, आपका भी ऐसे मिलेगा। हाँ अंकल जी बता रहे हैं ऐसा पास मिलेगा अभी 4 लोगों का, तो अभी अंकल जी कर रहे हैं वो काम और परमिट मिलता है तो हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। आधा घंटा का समय लगता है, मिलेगा ना आपको, मिलेगा। तब तक उधर परमिट रेडी हो रहा है तो अंकल जी रेडी करवा रहे हैं और हम लोग चाय पीने हैं बॉर्डर के आसपास ही। चलिए चाय पीते हैं। कई ये लोग भालुकुंग में हैं और चाय पी रहे हैं बॉर्डर के पास। चलिए जब तक चाय पीते हैं तब तक हम लोग का पेपर वर्क भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों बिस्किट वगैरह ले लिए हम लोग पहाड़ों के लिए, पूरा शॉपिंग हो गया है। अब चलिए अब परमिट भी हम लोग का आ गया, तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। परमिट हो गया गाइस, व्हाट्सएप पे भेज दिए अंकल जी और मैनुअली ले लेते हैं हम। गए हैं परमिट चेक करवाने टूरिस्ट ILP। भाई साहब खूबसूरती देखिए, ये हम लोग तवांग के रास्ते में जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और क्या खूबसूरती है भाई साहब। नदी बगल में आइए, आप खुद आइए उसके बाद देखिए, एक्सप्लोर कीजिए खुद से। नदी नदी देखो नदी, इस नदी के किनारे मैंने पिकनिक की थी भालुकुंग में। अच्छा। स्कूल से पिकनिक आए थे हम लोग, चल बाबा। और एक मछली पकड़ी थी वो सर लेके चले गए थे, बच्चों ने एक मछली पकड़ी थी बड़े। और भैया बोल रहे हैं जो बगल में नदी बह रही है वहाँ से भैया मछली पकड़े थे बच्चे। क्या बात है ना, हम लोग आए थे पिकनिक के लिए स्कूल से यहाँ पे नदी किनारे, बच्चों ने एक बड़ी मछली पकड़ ली थी, कुछ लड़कों को आता था मछली पकड़ना, तो बड़ी मछली, तो मछली लेकर आए सर पिकनिक में, ये भी बना दो। सर ने बोला कोई नहीं बनेगा, नॉन वेजिटेरियन नहीं बनेगा, और सर मछली रखवा दी है और बाद में खुद अपने घर लेके चले गए। किसी को खाने को नहीं मिली मछली, सर को मिली खाली। बड़ी मछली थी भैया का नदी में, सबकी मछली खाने की बच्चों की तमन्ना अधूरी रह गई। मेहनत भैया का, बच्चों का और फायदा सर का हो गया। पर चलो अब लगता है सर बच्चों को लेके आए, इतना मेहनत किए, सवेरे जल्दी उठे, तो उनका भी बनता था कुछ गुरु दक्षिणा। यही जगह थी, यही नदी के किनारे। हाँ कौन सी नदी भैया? नदी का नाम बी से कुछ तो है, बी से बरेली नदी है। इस नदी के किनारे ना बहुत तरह के पत्थर मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट पत्थर मिलेंगे, चमकने वाले पत्थर मिलेंगे, ये सब मिलते हैं। रुको तो सही, कुछ पत्थर इकट्ठा करेंगे ना, कहीं ऐसा बैंक मिलता होगा वहाँ पे रख करेंगे ना। अभी हम ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, नदी नीचे होगी। चलिए दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, काफी मजा आने वाला है। ये खूबसूरती भाई साहब यहाँ पे क्या लैंड, नदी की ट्रिब्यूटरी है, मेन नदी नहीं है। अच्छा ये मेन नदी नहीं है। देखो भाई साहब ऊपर बादल पहाड़ के ऊपर, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, काफी मजा आने वाला है। पक्के टाइगर रिजर्व, यहाँ से अंदर होगा। पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके गाइस, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद ऊपर का चढ़ाई करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर पूरा ऊपर का चढ़ाई बाकी है। देख रहे दोस्तों पहाड़,
चलिए अब चलते हैं खाते पीते पहाड़ का मजा लेते हैं। वो गेट बंद है ना। उत्तर प्रदेश लाहौल स्पीति तो यार सबसे खतरनाक रोड में गिना जाता है। अच्छा वाटर राफ्टिंग नोड है। चलेंगे ऑफ रोड स्टार्ट हो गया। ऑफ रोड थार जो लेके आ रहे हैं उनके लिए ऑफ रोड भी है बीच बीच में स्पेशल इनविटेशन है। आइए अपना गाड़ी चेक कीजिए। आर्मी वाले आर्मी ब्रिज देख रहे क्या ब्रिज है भाई साहेब। थ्री इडियट्स में था ऐसा मस्त। गंगा वैली भी जा सकते हैं ऐसे ये केले का पेड़ ऊपर केले की खेती क्या देखो भाई साहेब पहाड़ों में भी खेती होती है केले की। दो 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 ठीक है चढ़ गया ऊपर। भैया एक पे डाल लीजिए एक पे डाल लीजिए रुक रहा गाड़ी खींच नहीं रही। नहीं खींच रही है मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया क्योंकि आगे ट्रक है। अच्छा मेरी गाड़ी को बदनाम नहीं करने की कोशिश करना अपोजिशन वालों की चाल है ये। आराम से देखो एकदम स्लो चलती है गाड़ी 10 पे 1 नंबर पे आराम से चढ़ेगी। ट्रक खींच नहीं रही है ट्रक नहीं खींच रही है नहीं खींच पा रही मेरी गाड़ी आराम से खींचती है। 1500 इसी का डीजल इंजन है जिन लोगों ने होंडा जैज नहीं लिया आगे 3000 सीसी का डीजल इंजन आराम धूम करेगा गरम गरम उसका एग्जॉस्ट का हवा लगा। अरे ऊपर बादल बादल ही बादल बादलों में पहुंच गए बादलों में बादलों में बादलों में बाद में। अच्छा फिर वैसा ही लग रहा है। हाँ देखो पीछे आपकी पंच आ रही है शायद चढ़ के आ गई ना यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। वाह वाह क्या नज़ारा है भाई साहब। तवांग अभी 257 ऐसी कुछ है आप देख लीजिए वीडियो में मैंने ले लिया है तवांग 257। चलिए दोस्तों और टेंगरा भाई थी। हाँ टेंगरा लगता है 58 या 57 तक। मेरा तो अलग काम ही है। तेरा तो फिर भी भाग दौड़ का काम दोनों तरह का काम रहता है। एक छोटा सा विलेज है क्या है विलेज का नाम भैया अच्छा रहता थुप्पा मस्त है पर यहाँ मिलता होगा थुप्पा मिलता होगा। अरे वहाँ तो नेपाल वाला थुप्पा खाएंगे। तो यहाँ पर पुल बन रहा है और ऑफ रोडिंग है थोड़ा ये भाई साहब मोबाइल चला रहे हैं ऊपर पुल पर बैठ के और ऊपर देखिए दोस्तों बादल पहाड़ों में मज़ा आता है नेक्स्ट लेवल वाला। अब वेट होने लग गए हैं पहाड़ जैसे पानी सिम सिम गिर रहा है। ये देखिए दोस्तों बादल एक नंबर। दिरांग अपना इधर है बॉमडिला के बाद है चल बॉमडिला क्रॉस करके दिरांग उतर जाएंगे ठीक ना। ये व्यू मजा आ गया देखकर क्या व्यू है भाई। ओहो शब्द ही कम पड़ रहे हैं इस व्यू को देखकर। छोटा सा झरना चाउंग तवांग 232 उन्हें नीचे स्टार्ट किया था अरुणाचल बॉर्डर से तो उस समय टेम्परेचर 25-26 थी और ये पता टेम्परेचर कितनी दिखा रही है 17-16 इसी दिखा रही है और ऊपर अभी जाऊंगा तवांग तक तो और कम हो जाएगी। और पीछे देखिए दोस्तों नज़ारा ये है खूबसूरती अरुणाचल की। तो
कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग उधर उत्तराखंड ही जाएं, अरुणाचल भी आ सकते हैं, यहाँ भी खूबसूरती बहुत है। देखिए ये चिप्स का पैकेट, प्रेशर डाउन होने की वजह से एकदम फुल के टाइट हो गया, अंदर का प्रेशर खूब है, ऊपर जाएंगे तो फटाक ना हो जाए कहीं। ओरियो भी ऐसे फूल गया। अरे हाँ देखिए फूला पड़ा है। और यहाँ कमाल की शांति, एकदम भयंकर शांति भैया के लिए अच्छा है। भैया मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन करो शेर आ जाएगा। एकदम एकदम चुप रहना, देखो आवाज आएगी, जंगल की आवाज आएगी, रिंग की आवाज आ रही है भैया की, कहीं कॉल लगा रहे हैं। गुजरी तो हम लोग बोनेट निकाल उठाकर देख रहे थे कि इंजन कितना टेम्परेचर हीट हुई है, तो मिलिट्री ट्रक रुक गई कि कोई प्रॉब्लम है क्या हेल्प करने के लिए। कितने अच्छे होते हैं मिलिट्री वाले, थैंक यू। अगर ब्लॉग देख रहे होंगे आप मेरा तो थैंक यू। बारिश भी होने लगी और टनल भी आ गई। टनल का नाम क्या है? बॉर्डर नेचिपू टनल। अरे भाई साहब टनल टनल क्या लाइट है, अरे टनल की लाइट, अरे भाई मजा आ गया देख के। हो गया मेरा सपना पूरा हो गया। क्या टनल है, ओहो मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आपने इतना बढ़िया टनल बनाया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, चलो 600 भी पार कर लो। अरे जितना है सब पार। टनल कितना शॉर्ट हो गया होगा इसकी वजह से रास्ता नहीं भैया। तो टनल खत्म, क्या नजारा है। और इसके लिए कोई पैसे नहीं लगा अपने को, नहीं सीधा जाना। हाँ सीधा तवा, कोई पैसे नहीं लगा। ये राइट कहाँ जा रहा है बाबू? घर अरे यार ये उठा रखा हुआ है बीच में। देखिए दोस्तों सेला नहीं, कुछ और जगह है, सिपा जगह। टनल देखकर मन खुश हो गया भाई साहब, मोदी जी को जितना थैंक यू बोलना चाहिए उतना थैंक यू, सबके तरफ से थैंक यू। और अभी फाइनली बारिश भी स्टार्ट हो गई तो व्यू ऐसा है कुछ देख सकते हैं। पहली बार कुछ मजेदार रिपोर्ट। ओहो हम नीचे तो जा रहे, तो चलिए काफी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों हम लोग इस रोड का, और ऊपर से टनल मिल गया तो मन और खुश हो गया। मुझे लगा कहीं अटल टनल यहाँ भी नहीं ना बना दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं गया हूँ गाड़ी और टनल में। मन खुश हो गया। अब बारिश तेज हो गई है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा संभल कर चलना होगा रोड पे, तो अब सबका ध्यान रोड पे चारों लोगों का। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वापस से हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये है नजारा कुछ ऐसा, ये पूरा वैली। बुद्धिस्ट का लग रहा है, प्यारा लग रहा है देखने में, प्यारा मंदिर है। बुलडोजर भी आर्मी के लोग चला रहे हैं, सब आर्मी के ड्रेस में ही है, सब ड्रेस वाले ही चला रहे हैं। घर नहीं है वो, थोड़ा पूरा वैली दिख रहा है यहाँ से दोस्तों। पर मेरे को ये परमिट वाला थोड़ा बुरा लगा। और मंदिर चालू है या बंद है पता नहीं, इन है मस्त सेफ्टी की साथ रास्ता उसका नीचे से, यहाँ से नीचे से नहीं, नीचे जाएंगे हम लोग, जाएंगे वहाँ होकर ही जाएंगे हम लोग, होकर ही जाएंगे। थोड़ा रुके है क्या? अभी घाटी से वापस नीचे उतर रहे हैं, टेंगा के पास है, टेंगा के आसपास। और पीछे देखिए एक मोनेस्ट्री टाइप की दिख रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, उसी लिए हम लोग रुके हैं यहाँ देखने के लिए। अब भैया अंदर है, थोड़ा काम हो रहा है, और नीचे एक नदी बह रही है आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो मोनेस्ट्री अब सामने से दिख रही है, थोड़ा वाइपर चलाई तो भैया एक बार। मोनेस्ट्री सामने से दिख रही है, थाड़ वगैरह लगी हुई है काफ़ी ऊपर।
और नीचे वैली पूरा दिख रही है। अभी हम लोग उधर से ही जाएंगे। ऊपर जा सकते हैं क्या? जा तो नहीं रहे। अभी हम लोग फॉक एंड स्पून कैफे के पास रुके हैं और पीछे देखिए एक ब्रिज है छोटी सी। मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। चलिए चलता हूँ। क्या व्यू है भाई साहब, ये है व्यू। ये पुल हिल रही है, हिल रही है पुल। भाई साहब डर लग रहा है इस ब्रिज पे, पूरा पुल हिल रही है, ये पूरा पुल हिल रही है। मैं तो वो जू वगैरह में गया था तो ऐसे हिलती थी, पूरा पुल हिल रही है, ये बहुत ज़्यादा हिल रही है ना। मेरे को डर लग रहा है कहीं पीछे ना चला जाए। पानी देखिए भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर। मैं पूरा ब्रिज क्रॉस कर ही गया, पीछे नीचे से नदी का आवाज़ आ रहा है बहुत तेज, बहता पानी। अरे बहुत ज़्यादा पुल हिल रही है, बहुत ज़्यादा हिल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा हिल रही है तेज। ये पुल में क्रॉस कर गया, देखिए 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 हिलते दिख रही है ब्रिज, काफ़ी हिल रही है भाई साहब। गजब, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। पर गाइस कार जैसी रोके आप फोटो खींच रहे थे तो बहुत सारे लोग आ गए पीछे देखिए, और बहुत भीड़ हो गया यहाँ। हम लोग निकल लेते हैं, कहीं पुराना ब्रिज है कहीं गिर ना जाए। चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया ब्रिज के पास, जल्दी से भागो इधर से। यह कार के पास, ये हमारी कार। चलिए चलते हैं। मन ब्रिज बहुत ज़्यादा हिल रहा था अभी, ब्रिज हाँ ब्रिज पूरा हिल रहा था। और क्या है अभी रेडी में एजी दीवाल के यहाँ होटल खोल के रखे हैं, गोरखा होटल। वो 100 का है तो अभी हम लोग मोमो खाएंगे, चिकन मोमो। हमारा मोमो आ गया है, भैया का भी मैगी नहीं आया है तो मैं अभी खाऊँगा। और मोमो देखने में काफ़ी मस्त लग रही है तो चलिए खाते हैं। अब इस बात पे अब बहस का कोई विषय नहीं। बहुत अच्छा भाई साहब, दार्जिलिंग का मोमो याद आ गया, बहुत बढ़िया है। लोग क्या करते तो तुम्हें तो मेरा उससे पेट नहीं भरा गया तो मैं मैगी भी मंगवाया, मैगी खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, टेस्टी भी लग रहा है। चल गया, रुका था थोड़े से देर के लिए उस ब्रिज के लिए और घंटों का टाइम बीत गया, लेकिन खा लिया दम दबा कर अच्छे से, मज़ा आ गया खाकर। मैगी भी टेस्टी, एकदम मज़ा आ गया, मैगी भी दम वो ज़्यादा हो गया। अभी जहाँ रुका जो ब्रिज था और मैगी और मोमो खाया, उस जगह का नाम जमीरी है। देखिए जमीरी का बोर्ड भी लगा हुआ है, वेलकम जमीरी पॉइंट कहते हैं उसको। और जमारी भी हो सकता है शायद, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो करेक्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे होम स्टे भी है, होटल्स हैं थोड़े, तो अगर रात वात हो जाए तो यहाँ पे रुकने का भी इंतज़ाम हो सकता है। जस्ट टनल के 1-2 किलोमीटर बाद है ये एरिया, टनल ख़त्म होती है और ये जगह आ जाती है। शॉर्ट है द्वारा, मिलिट्री की गाड़ी वगैरह लगी हुई है और नज़ारा है भाई साहब। ऐसा ऐसा ब्रिज बहुत मिलता है और साइड से डाइवर्जन रहता है, पता नहीं चल पाता तो थोड़ा ध्यान से, रात के समय तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान से। ट्रक कहाँ से आ रही है? ये अभी न्यू ब्रिज बनी रही है। चलिए ना, चलिए चलिए चलिए, रास्ता होगा, हॉर्न मार लीजिए। तो पुल बनने के बाद ही अभी चालू नहीं हुआ है तो ऐसा ऐसा डाइवर्जन है, थोड़ा ध्यान देकर दोस्तों।
हम लोग अभी कोई सिटी में आ गए, अब पूरा यहाँ मिलिट्री बेस है। अभी हम लोग पेट्रोल डीजल डलवाएंगे फ्यूल स्टेशन से। हाँ बन ही रहा अभी, ले भाग गली भाग। चलिए अभी अंडर प्रोसेस में इसका कंस्ट्रक्शन। 350 किलोमीटर का रेंज हम लोग का बचा हुआ था, फिर भी सोचा कि फ्यूल डलवा लूँ। तो अभी नायरा का फ्यूल स्टेशन दिखा, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, टेंगा वैली है। हाँ अब हम लोग अभी टेंगा वैली में, तो टेंगा मार्केट है। होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी है और मिलिट्री बेस ज़्यादा ही है यहाँ, तो ठीक ठाक है। और भारत पेट्रोलियम का फ्यूल स्टेशन मिल गया ही। चलिए फ्यूल ले लेते हैं तो टेंशन मुक्त रहेंगे भाई साहब। पूरा आगे से वाला कलर छोड़िए, अपने पीछे चल जाएगा। डीजल नहीं, आगे नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन किधर है, कितना दूर होगा? हाँ अच्छा, जहाँ तवांग तक जाना है, बाउंड्री लाइन मिल जाएगा ना? ठीक अच्छा, मार्केट के ठीक बाईपास होकर के नहीं जाना, मार्केट एरिया होके जाना जाइएगा। मिला नहीं, डीजल नहीं मिला, लेकिन मिलिट्री गाड़ी यहाँ ज़्यादा है, लेकिन डीजल मिलना चाहिए। मिलिट्री का भाई अपना फ्यूल स्टेशन है। अच्छा वो थोड़ा ही ना इसके और होगा तो थोड़ा डीजल ढूंढने को नहीं मिला। अब वो पेट्रोल पंप वाले भैया बोले कि मार्केट होते बोमडिला से मार्केट होते हुए जाइए तो मिल जाएगा, बाईपास होते में जाइएगा। तो मार्केट में जाना, देखिए कैसा होता है एक्सपीरियंस। एक सेकेंड आगे भी है, बोमडिला सीधा, तवांग भी सीधा, 15 किलोमीटर बोमडिला। चलिए हम लोग सीधा ही जाने गए। देखिए गाइस बोमडिला शहर ऊपर दिख रही है, काफी हाइट पे है, देखिए। चलिए अभी वो हम लोग वहीं जा रहे हैं, बोमडिला पूरा सिटी दिख रहा है ऊपर। सॉरी दिख नहीं रहा, दिखा देखिए पूरा बोमडिला सिटी, बादलों में और दम खड़ी चढ़ाई है बोमडिला की, एकदम पूरी खड़ी। अभी दो बार ऐसा हुआ कि चढ़ रहे थे तो लगा कि 2 नंबर पे चढ़ जाएगी, एक चढ़ाई हो रहा है बोमडिला की पूरी खड़ी चढ़ाई, और 2 बार ऐसा लगा कि 2 नंबर पे खींच लेगी गाड़ी, इन खींची नहीं, 1 नंबर लगाना पड़ गया। अब भैया 1500 cc चढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं 2 नंबर ना, 1 नंबर पे तो चढ़ा ही दिया। हाँ 1 नंबर पे चढ़ गया, चढ़ गए। हाँ लेकिन 2 नंबर पे से ट्राई कर रहा था, गाड़ी को टेस्ट कर रहा था। बहुत खड़ी चढ़ाई है बोमडिला की, बोमडिला 6 किलोमीटर और खड़ी चढ़ाई बोमडिला की। आइए है तो तभी पेट्रोल मिले, फ्यूल स्टेशन मिलेगा। ओ ओ ओ ओ भाई साहेब, ऑटू भी धीरे हो गया, बिहारी है भाई, बच के रहो इससे। बोमडिला 47 खड़ी चढ़ाई है, डायरेक्ट हम लोग बादल में शिफ्ट होते जा रहे हैं। देखिए 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 कितनी खड़ी चढ़ाई है, डायरेक्ट बादल में शिफ्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट ऊपर और ऊपर और ऊपर। देखिए रोड कैसे गया ऊपर, साइन बोर्ड भी खड़ी चढ़ाई कर दिया। आ गया मैं बोमडिला, बादलों का शहर हो गया ये, क्या भाई साहब। SSB क्या है भाई, ट्रेनिंग सेंटर रहता है। बोमडिला का आ गया बोर्ड, हम लोग बोमडिला में स्वागत है। ड्रैगन का देखिए ऊपर सिंबल बना हुआ है, ड्रैगन का हमारा स्वागत हो गया है। हाँ बोमडिला गाड़ी पहुँचा के तक चल गया तो वहाँ स्वागत करना ही पड़ेगा। देख रहे हो भाई कितना खड़ी चढ़ाई है, गाड़ी फर्स्ट गियर पे चल रही है, गाड़ी फर्स्ट गियर पे है और खींच रही है, फर्स्ट गियर पे खींच रही है, लेकिन
काफी आवाज कर रही है, इतना भी आवाज नहीं कर रही है। ओह माय गॉड, फ्यूल स्टेशन देखते रहे ना, इसके लिए आए हैं हम लोग। ये गाड़ी का पूरा सर्विस सेंटर है। हम लोग आ गए तवांग का, यहीं से आगे होंगे या वापस जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आगे फिर कनेक्ट हो जाएगी उस साइड। गाड़ी मात्र 10 की स्पीड में 5 की स्पीड में चल रही है अभी। खड़ी चढ़ाई, गाड़ी का रेंज 4 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर रेंज कम हो जाता है एक नंबर पे चलाने से। और अगर वहाँ पे डीजल नहीं मिला ना तो उसको तो दिरांग में रुकना पड़ेगा अपने को। ऐसे अब उतरना ही है ना पहाड़ से, दिरांग उतर के रुक ही जाएंगे फिर। जब फ्यूल आएगा तब पीछे से एक और बस आ जाएगी टूरिस्ट। कह रहा हूँ कि मेरा भी मोमेंटम बिगाड़ रहा है ये, साइड देख दीजिए जगह देख के। ओहो यहाँ साइड क्या घुमा रहा है, अभी मत दीजिए आप चढ़ने का हो जाएगा, देखिए देख कर दे दीजिएगा। एक नंबर साइड दे दिया हम लोगों ने, बोमडिला गुवाहाटी बस चलती है। अब समझ में आया क्या करना चाहिए था उसको। हल्का क्लच छोड़ के ना एक्सलेटर तेज दे देना चाहिए था, फिर क्लच छोड़ना चाहिए था। नहीं तो लोड ज़्यादा था उस समय इंजन पर, ले ही नहीं रहा था उतना भी नहीं ले पा रहा था, बंद हो जा रहा था। अरे भाई साहब गलत जगह, चले 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 चले, वो पीछे आ गया तो हैंडब्रेक ना ना। ठीक है ठीक है, अब देख खींच 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 ली। चढ़ गई चढ़ गई, अबे हट जा। अच्छा इन दिनों मैंने आगे जाने के लिए दे दिया पास, नहीं तो मैं उस जगह पे होता है ना। देखो भाई साहब सब स्वेटर पहनने लगे और हम लोग बादलों में आ गए, देख रहे हो, और बाहर का टेम्परेचर अभी 16 हो गया है। अभी फ्यूल स्टेशन देखते रहना, वो मत मिस कर देना। ठंडी हुई ठंडी हवा चलने लगी, इंडियन ऑयल मिल गई, आसाम ऑयल है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, चलिए फाइनली इसी के लिए फ्यूल के लिए ही आया हूँ ऊपर। 2000 की जाएगी? हाँ 2000 चला जाएगा। फाइनली हम लोग को फ्यूल मिला, और वो भी पता है भाई साहब कैसे मिला, छपरा के लोग मिले हम लोग को। और पता है बिहार की नंबर देखकर बोले कि डीजल है, लेकिन हम लोग अपने कॉमर्शियल यूज के लिए रखे, लेकिन आपको दे रहे हैं पर्सनली, तो थैंक यू उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ट्रक के लिए रखा था? हाँ अपने ट्रक के लिए रखा था, ट्रक और ये जनरेटर के लिए। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पे वो बादलों के ऊपर आ गया, आ गया आसमान की ऊंचाइयों पे, वो वाला डायलॉग था ना। जीपीएस के बोल रहा है लोग के ऊपर दोस्तों, साइड क्यों करूँ? ये देखो फोटो लेना है, ये देखो बादल ही बादल। तो तुझे पापा का फोन देता हूँ, लेट गया।
ले कवर। ये दोस्तों बादल ही बादल, चारों तरफ बादल, पूरा 50 किलो सिर्फ बादल ही बादल है, बादल ही बादल होगा। चलिए गाड़ी क्लियर है। ये दोस्तों गाड़ी सावधानी से चलाएं, ठीक ना, पहाड़ों पे कोई हड़बड़ी नहीं, प्यार से। वो किसी को बचाने के चक्कर में घुसा है। बारिश स्टार्ट हो गई और तेज हो रही है बारिश। देखिए कुछ लोग छिपे हुए हैं, पुलिस के लोग। बारिश बहुत तेज हो रही है गाइस, बाहर देख सकते हैं। और अभी बाहर का टेम्परेचर 12-13 ऐसी चल रहा है, तो काफी ठंड है। और ऐसे में कोई भींग गया तो उसका हालत खराब। शहर के लोगों को इसकी आदत नहीं रहेगी। हाँ। मुंबई वालों को तो स्पेशली नहीं आदत रहेगी, मुंबई को। हाँ। साउथ इंडिया इतना ठंडा पड़ता ही नहीं है, तो मुंबई वाले अपने अगर आपको बुरा नहीं लगना तो वीडियो तो बुरा नहीं लग रहा था वीडियो मत देखिए। मैं तो आसाम में रहा था, ऐसे में फुटबॉल खेला था मैंने, वो भी भीग भीग के। आई एम स्टिल ओके, पता नहीं अब कैसा लगेगा, लेकिन तब तो बहुत मजा आता था जब फुटबॉल खेलते थे ऐसी बारिश में। तो बचपन में जोश खूब रहता था, ताकत भी रहती थी, बुढ़ापा पता नहीं अब हो गया तो नहीं कह सकते। चलो वाइपर दिरांग 26 और तवांग 164। चलिए दोस्तों दिरांग पहले पहुंचते हैं, अगर रात नहीं हुई तो आगे का सफ़र, नहीं तो फिर वहीं रुक जाएंगे। शाम भी हो जाएगी ना, 3 बजे। अभी दिरांग 26 किलोमीटर है और तवांग है 164, तो 164 तो कंप्लीट होगी नहीं, तो दिरांग में हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि अब 3 बजने वाला है, 2:30 बज रहा है। और यहाँ 4:30-5 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। हाँ, तो पहाड़ों में रात को चलाने का रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऊपर से बारिश हो रही है तो हालत ख़राब हो जाएगी। और जरा सा भी कुछ हुआ तो फिर आगे पीछे कोई नहीं, पटना कैसे जाएंगे फिर, पटना कैसे जाएंगे वो भी मन को लेके। नई गाड़ी खरीदनी पड़ जाएगी, वो भी कोई देगा नहीं अपने को यहाँ पे। हाँ, टैक्सी करनी पड़ जाएगी फिर, टैक्सी जाना होगा 25,000 रुपये में। कोई कोई ठीक नहीं, कितना भी मांग सकता है, कितना भी मांग सकता है। इसलिए ड्राइव सेफ एंड ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसको माउंट पकड़ के दोनों में से आंसर। तवांग 150 आ गया भाई साहब। चलिए अब देखते हैं होटल वगैरह मिल जाए कोई। तिरांग आ गया गाइस, तो चलिए होटल ढूंढते हैं और आज यहीं पर रात बिताया जाएगा। आज का डेरा यही है, आज का डेरा यही है। तवांग कल फिर कल सवेरे चार तो 2 किलोमीटर आगे बता रहा था। स्टार्ट यहाँ से हो गया और चलना है मेन सिटी में, चलना है। पता नहीं, नहीं मालूम कैसा। देख जीपीएस क्या बता रहा है। अभी यहाँ पे भी रुक जाओ, अच्छा मिलेगा तो मस्त ना, क्यों जाएंगे मेन सिटी में। नहीं सिटी में ये रहेगा, शॉप्स वॉप्स कॉफी शॉप्स सब्जी उब्जी कितनी सारी मिल रही है। चलिए अब देख ढूंढते हैं और आते हैं। हम लोग को होटल मिल गया गाइस, और ये डी जोंग होम स्टे ड्रिंग है। तो भैया अभी कार पार्किंग कर रहे हैं और ये पीछे होम स्टे है, ठीक ना, कभी गाड़ी पार्क होगी। बड़ा होम स्टे है, काफ़ी खूबसूरत है ना, एकदम वादियों में। हमारे देश, ये हमारा रूम है गाइस। इसका बाथरूम किधर है? मस्त है, बाथरूम किधर है इसका? पता नहीं, कॉमन होगा तो पूछ लीजिए। मस्त है। चलिए ये हमारा बेड और हीटेड बेड है, ये हीटेड बेड है, ठीक ना। एक रूम और है,
जिसमें मन रुका है वो आपको दिखाता हूँ। वो इधर है जस्ट पीछे, मस्त है ना। ये है सेकंड रूम हम लोग का। गाइस आपको एक चीज पता है, इसको मैं हीटर बेड मैं बता दिया, यहाँ पे स्विच बोर्ड भी है देखो ऑन करूँगा। ये दोनों हीटेड बेड है और हमारा भी हीटेड बेड है। ठंडी के टाइम में यहाँ टेम्परेचर क्या रहती है? बर्फ गिरती है क्या? बर्फ नहीं गिरती। अच्छा नहीं, हीटेड बेड था उसीलिए पूछा। चलिए मस्त है ना, लाइफ सेट है। हाँ, गाड़ी की पार्किंग भी है। इसका हम आपको जाते वक्त यहाँ से बता देंगे। रूम में जैसे आया चाय भी आ गई हमारी, तो अभी चाय हम लोग पियेंगे, लेमन टी। ये कॉम्प्लीमेंट्री है हम लोग का चाय। अब भैया चाय देखकर खुश। लाइफ सेट है। ये गेस्ट हाउस का नाम जरूर बताना। डीजोंग होम स्टे है ये, और काफी अच्छा है, मस्त है और बजट में। ये मुझे ये रूम 1300 का पड़ा, नहीं 1300 का नहीं, 1300 बोल रहे थे, और वो रूम भी लगता है 1200-1300 बोल रहे थे। तो अभी दोनों रूम फाइनली मिलाकर हम लोग को 2000 का पड़ा। फाइनली गाड़ी भी अच्छे से पार्क कर दिया उधर, और पीछे देखिए होटल हमारा होम स्टे है, और पीछे का नज़ारा देखिए पूरा पहाड़, क्या खूबसूरती है। सुबह उठते उठते ये पहाड़ दिखेगा, वादिया। नीचे नदी भी है, और नीचे नदी भी है, वो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। चलिए अभी बारिश हो रहा है, जाता हूँ रूम में। अभी मैगी ऑर्डर किया था और मैगी भी आ गया। चलिए अब मैगी खाते जल्दी से, उसके बाद आराम करेंगे रूम में। काफ़ी कस के भूख लगा हुआ था, मैगी देख कर ही स्वादिष्ट लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा। और सबसे अच्छा तो इसका ग्रेवी लगता है, पहले ग्रेवी पियो। पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग है। और नीचे एक नदी है, नीचे बहती है जस्ट बगल में ही रोड के, तो वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है उधर का व्यू। चलिए चलते हैं। गाइस यही नदी है जो नीचे बह रही है, पूरा घाटी में है देखिए। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। लेकिन आपको दिखाने के लिए हम नदी के किनारे आए हैं। उस जमाने के बहुत सारे सड़े हुए, ये कितना खूबसूरत है, याद नहीं रखा। इधर घाटी निकल गया, इधर पहाड़, बीच में नदी। होम स्टे वाले से छतरी मांगा और नीचे नदी के पास उतर गया, लेकिन पीछे नदी है, दिख रहा है आपको। तो चलिए नदी का पानी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्लियर क्रिस्टल है। ये देखो भैया कर्तव्य करते हुए, भैया कर्तव्य कर रहे हैं। ये देखो आप नदी का पानी, काफ़ी खूबसूरत देख रहे हो गाइस, मज़ा आया देखकर। कैसा लगा आपको ये नदी? और ये जस्ट हमारे होम स्टे के बगल में ही है, तो हम लोग मुश्किल से पाँच मिनट पैदल चलोगे तो आगे होंगे। तो वापस अब जा रहे हैं होम स्टे, और एक हेरिटेज बोल रहे थे होम स्टे वाले बगल में, तो देखते हैं अगर वहाँ जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। आगे
एक मॉनेस्ट्री का बात कर रहा था ना, वो ऊपर है राजा का महल। तो चलिए उधर चलते हैं। हेलो गाइस, ऊपर मॉनेस्ट्री के राजा का महल जो आपको नदी के पास बताया था ना, वहीं अभी जा रहा हूँ। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। ये है मॉनेस्ट्री। कैसे गए, यही मॉनेस्ट्री है। चलिए, दिखता है ऐसा है पुराने जमाने का। चलिए, मन वेट कर रहा होगा होटल में, थोड़ा बहुत इधर देखकर और निकलते हैं। पूरा बिल्डिंग ये है जॉन्ग का, जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। होटल वापस आ गया दोस्तों घूम घाम कर, और मन वेट कर रहा होगा अंदर, उसको आवाज़ चली गई होगी। अब क्या कहा, आवाज़ चली गई उसको। पेस्ट्री है अब दोस्तों, रात के 8:30 बज रहे हैं और हमारा खाना लगने वाला है। अब खाएंगे और खाने के बाद सो जाएंगे मस्त, है ना मन? भैया सो गए थे ऑलरेडी, ठीक। चलिए, खाना हम लोग का लग रहा है, चलते हैं खाना खा। चलिए चलते हैं। ये है हमारा खाना लग गया, चलिए खाते हैं खाना। आज का डिनर करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं रहेगा। अब हम सोने जाएंगे खा के, और खाने के बाद उसके बाद कल का तवांग का पूरा रूट रहेगा। खा के लौटेंगे। बाद में जाना है।